नमस्कार, मैं पीसी सैनी। नीमका थाना जिले में ऑपरेशन एंटीवायरस के तहत पुलिस अधीक्षक प्रवीण नायक नुनावत और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक गिरधारी लाल शर्मा के निर्देशन में नीमका थाना जिले की पुलिस ने साइबर सेल की मदद से जिले के 11 साइबर ठगों के विरुद्ध प्रभावी कार्रवाई करते हुए सीईआईआर पोर्टल पर गुमशुदा और चोरीशुदा मोबाइलों को ट्रेस कर करीब 5 लाख रुपए की कीमत के 30 मोबाइल बरामद कर परिवादियों को सुपुर्द किया। इसके साथ ही परिवादियों को 30,000 रुपए का रिफंड भी करवाया गया। पुलिस अधीक्षक प्रवीण नायक नुनावत ने बताया कि पुलिस मुख्यालय द्वारा साइबर अपराधियों के विरुद्ध चलाए गए अभियान ऑपरेशन एंटीवायरस के तहत सीईआईआर पोर्टल पर गुमशुदा चोरीशुदा मोबाइलों को ट्रेस कर करीब 30 मोबाइल जिनकी अनुमानित कीमत करीब 5 लाख रुपए के मोबाइल फोन बरामद कर परिवादियों को सुपुर्द किया गया। इसके साथ ही जिले के 11 साइबर ठगों के विरुद्ध प्रभावी कार्रवाई की गई और साइबर हेल्पलाइन नंबर 1930 साइबर क्राइम पोर्टल पर प्राप्त शिकायतों पर कार्रवाई करते हुए परिवादियों को 30,000 रुपए का रिफंड दिया गया। ये तस्वीरें हैं नीमका थाना जिले की, जहां पर जिले में ऑपरेशन एंटीवायरस के तहत पुलिस अधीक्षक प्रवीण नायक नुनावत और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक गिरधारीलाल शर्मा के निर्देशन में पुलिस ने साइबर सेल की मदद से जिले के 11 साइबर ठगों के विरुद्ध प्रभावी कार्रवाई की है। आइए सुनते हैं इस पूरी कार्रवाई को लेकर नीमका थाना पुलिस अधीक्षक प्रवीण नायक नुनावत ने क्या कहा। ऑपरेशन एंटीवायरस के तहत हमने नीमका थाना ज़िले का अराउंड 30 मोबाइल्स हमने रिकवर किया था, जो पहले अपने पास कंप्लेंट दर्ज थे। और इन 30 मोबाइल्स की जो कीमत है अराउंड 5 लाख है। और इसी अभियान के तहत हमने कुछ 11 लोग संदिग्ध जो थे, जो साइबर फ्रॉड में इन्वॉल्व थे, उनको भी तस्दीक किया है। और अराउंड 30,000 की जो कैश थी, जो फ्रीज हुआ था, उनको लौटा भी दिया है। और एक और अपील मैं करना चाहता हूँ कि कुछ जो कैश है, जो सीआईआर पोर्टल में जो दर्ज है, उनके पास भी अपने कुछ है परिवार, इनको बोल के हम अराउंड 5 लाख, वो भी जो फ्रीज हुआ है, उसको भी रिलीज करवा दें।